खबर रीवा से है, जहां उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जिले के विभिन्न अंचलों से सूकरों की मृत्यु एवं बीमारी की सूचना को संज्ञान में लेते हुए जिले के समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे ऐसे मोहल्लों, ग्राम पंचायत एवं वार्डो में जहाँ सूकर पालन की गतिविधियाँ पशुपालकों द्वारा की जाती है, उन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखें। पशु चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया है कि तकनीकी दल का गठन कर क्षेत्र का नियमित भ्रमण कर एवं बीमार सूकरों का लक्षणों के आधार पर उपचार सुनिश्चित करें। सूकरों को टीकाकरण किए जाने एवं स्वाइन फ्लू का टीका द्रव्य भी उपलब्ध कराया गया है। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा अपील की गई है कि सूकर में किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ने पर पालक सूकर का इलाज एवं टीकाकरण अवश्य कराएं। उप संचालक ने बताया कि देश के कुछ राज्यों जैसे गुजरात एवं राजस्थान में गाय भैंस में लंपी स्किन डिसीज की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में जिले के समस्त पशु चिकित्सकों को सतर्कता बरतने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। पशु को लंपी स्किन डिसीज होने पर चमड़ी पर कई गांठ बन जाती हैं, जो कि कुछ समय बाद फट सकती हैं एवं घाव बन जाता है। इसके अलावा गाय भैंसों में लार बहना, बुखार, अपच, भूख न लगना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी सीमा क्षेत्र के चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया है कि आगामी कुछ माह तक उन राज्यों से जहां यह बीमारी फैल चुकी है पशु का आवागमन प्रतिबंधित किया जाए, ताकि बीमारी को रीवा जिले में फैलने से रोका जा सके। विषाणु जनित यह बीमारी मच्छर मक्खियों से फैलती है, इसलिए पशुपालक गाय भैंस के सिर में नीम की पत्तियों का धुआं कर मच्छर मक्खियां दूर रखें। इस बीमारी में मृत्यु की संभावना बहुत कम है, किंतु पशुओं के शरीर पर घाव एवं अन्य समस्याएं हो जाने के कारण दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाती है एवं पशुपालकों को आर्थिक क्षति पहुँचती है।